हाँ जी बेटा, नाउ वी स्टार्ट। 3 चैप्टर के रिवीजन मारेंगे, ठीक है। पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से, सेकंड चैप्टर से, ठीक है। सेकंड चैप्टर में एक एक टर्म को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं, तो एंटिटी, बिजनेस, बिजनेस ट्रांजैक्शन। कौन बताएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड है और मनी से रिलेटेड है, उसी को बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलोगे। अब जैसे कि मैंने सामान को खरीदा या सामान को बेचा, वो मेरी कौन सी होगी? बिजनेस ट्रांजेक्शन, नहीं तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे कि वाइफ ने एक साड़ी खरीदी, बिजनेस ट्रांजेक्शन है? नहीं। हाँ, मेरी दुकान से खरीदी तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ठीक है। एम्प्लॉय का मुझसे झगड़ा हो गया, क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन है? नहीं। एम्प्लॉय मेरे 10,000 लेके भाग गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। कैपिटल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी हम स्टार्ट करने से पहले लगाते हैं बिजनेस को, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। जरूरी नहीं जब बिजनेस को स्टार्ट करने पे लगाए, बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए भी बीच बीच में मुझे कैपिटल को लगाना पड़ता है, क्योंकि आपका बिजनेस जब ही एक्सपेंड होगा जब आप बिजनेस से पैसा लगाओगे। समझ आ रही है बच्चे? देखिए नेक्स्ट है आपकी ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स 2 टाइप की हो सकती है। एक होगी कौन सी? एक आपकी होगी गुड्स की फॉर्म में और एक आपकी होगी कैश की फॉर्म में। मेरी बीवी आई, गले में से 500 का नोट लेके चली गई, इसका मतलब कौन सी ड्राइंग्स है? कैश, ठीक है। मेरी बीवी आई, मेरे दुकान से एक साड़ी लेके चली गई, कौन सी हो गई? गुड्स वाली, ठीक है। लाइबिलिटीज कौन सी होती है? जो मुझे पे ऑफ करनी है वो हमारी कौन सी है? लाइबिलिटीज। पे ऑफ करनी है लाइबिलिटी, अगर 12 महीनों से कम में पे ऑफ करनी है तो करंट लाइबिलिटी, 12 महीनों के बाद पे ऑफ करनी है तो नॉन करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ लाइबिलिटीज के। तो लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल में हम दो देख रहे हैं, एक तो हम देख रहे हैं बच्चे करंट, और एक होगी करंट होगी 12 महीनों वाली, और एक होगी बेटा नॉन करंट। तो नॉन करंट होगी आपकी 12 महीनों से ज्यादा वाली, ठीक है। तो ये लेस देन 12 मंथ्स है और ये आपकी मोर देन 12 मंथ्स है। तो मोर देन 12 मंथ्स में दो दो तीन दिन एग्जाम्पल याद रखो। एक तो डेट, एक तो आपके हो गए डिबेंचर्स, एक आपके हो गए शेयर भी हो सकते हैं, एक आपका लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया। यहाँ पे कौन कौन से आ सकते हैं? एक आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आपका शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म्स लोन्स जो आपके शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। एक हमारे हो गए क्रेडिटर्स, जिनको मुझे पैसे देने होते हैं। कोई बच्चा भी डेटर बोल रहा था, तो क्रेडिटर्स होते हैं जिनको मुझे पैसे देने होते हैं, और बहुत है तीन तीन एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपके वैसी आ जाती है एसेट्स भी। तो एसेट्स भी 2 टाइप की हो जाती है हमारी। तो एसेट्स में हो गई हमारी वही फिक्स्ड हो गई एक तो, और एक आपकी कौन सी हो गई? करंट। करंट में वो है जो 12 महीनों के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे कि एक तो हमारी कैश हो गई, एक आपका बैंक हो गया, ये तो नॉर्मली कैश में है। एक हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, एफडी वगैरह होगी जो हमारे जल्दी से मैच्योर होने वाली है। डेटर्स हो गए और बिल रिसीवेबल्स हो गए, ठीक है। वैसे आपकी फिक्स में आ गई दो, एक होगी टेंजेबल और एक होगी नॉन टेंजेबल। टेंजेबल जिसको छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जैसे कि फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग हो गई, और क्या हो सकता है? कंप्यूटर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, और प्लांट हो गया, ये सब आपके इसमें आ सकते हैं, मशीनरी हो गई। जबकि नॉन टेंजिबल में कुछ कुछ जगह बहुत अच्छे हैं, जैसे गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। चीजें आपको क्लियर होती जा रही होंगी, ठीक है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारी एसेट्स होगी। इसके बाद हमने दो तीन चीजें हमने और अच्छे से पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने प्रीपेड, एक हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग, और एक हमने पढ़ा था एक्रूड। प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस। तो कोई भी चीज हमने पहले दे दी वो मेरी एसेट है कि नहीं? मेरी क्या रहेगी बेटा? वो एसेट रहेगी। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू बट नॉट पेड, देनी है बट दी नहीं है, तो लायबिलिटी साइड में आएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया? ड्यू बट नॉट रिसीव, मिलना है बट मिला नहीं है, तो भी मेरी क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी। इतनी सी बात समझ आ गई, ठीक है। कमीशन रिसीव इन एडवांस में बताओ जरा एक बार, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ये क्या है? एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है, बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी है बेटा ये। आप, मैं किसी बच्चे की एडवांस में फीस ले लूं तो मैं उस बच्चे के लिए वो हो गया लाइबल, कि मुझे उसको पढ़ाना ही पड़ेगा भाई, अब तो उसकी फीस आ गई, या तो फीस वापस करो, हूं ना लाइबल। तो कोई भी बच्चा जो मुझे पूरे साल की फीस दे देगा तो मैं लाइबल भी हो गया उसको पूरे साल पढ़ाने के लिए। बात समझ आ रही है? तो ये लाइबिलिटी बन जाती है जब आपकी इनकम हो ही ना, और आप सामने वाली पार्टी से क्या उठा लो? इनकम उठा लो। समझ
समझ आ रही? तो वो आपकी लाइब्रेरी बन जाएगी, जिसने दिए हैं उसके लिए सेट है। जिस बच्चे ने मुझे 12 महीने की फीस दी तो मेरे लिए तो लाइब्रेरी हो गई, लेकिन उसके लिए तो एसेट हो गई ना, उसके लिए क्या हो गई? एसेट। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे। प्रीपेड हो गया, रेवेन्यू हो गया, इनकम। एक चीज और कर लेंगे, हमारा परचेजेस। तो एक आता है बेटा परचेज करते हो, तो परचेज रिटर्न भी हो सकता है। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम बता दो बस, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम जल्दी से बताओ, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। पर रिटर्न आउटवर्ड, भाई साहब नोबल सा एग्जाम्पल बताया था मैंने, गर्ल्स या फिर बॉयज अपना कोई भी शर्ट, टी शर्ट, जीन्स कुछ भी मार्केट से मंगाते हो, ऑर्डर देते हो किसी भी फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन वगैरह पर, तो आप परचेज करते हो, आपको वो चीज समझ नहीं आती, तो आप क्या करते हो? परचेज रिटर्न। जब परचेज करी थी तो वो टॉप आपके पास आया था, जब वापस करोगे वो टॉप आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो हुआ ना आउट, हुआ ना आउट कि नहीं हुआ? तो इसको क्या बोलेंगे? रिटर्न आउट। ये आपको ध्यान रखना लगी, ठीक है? और जैसे हम सेल करेंगे, तो सेल करते समय जब हम वापस करते, सेल रिटर्न बोलेंगे, सेल रिटर्न बोलेंगे, यही नहीं होगा यार, सेल रिटर्न बोलेंगे। लेकिन अगर हम रिटर्न इसका दूसरा नाम देखा जाए तो क्या होगा? रिटर्न इनवर्ट। जैसे मान लो मैंने कोई सामान बेचा, तो वो सामान तो चला गया मेरी फर्म से, लेकिन उस कस्टमर ने मुझे वापस कर दिया, अब तो मेरी फर्म में वो दोबारा आ रहा है ना भाई, और अगर मेरी फर्म में दोबारा आ रहा है तो इनसाइड द फर्म आ रहा है, और अगर इनसाइड द फर्म है तो रिटर्न इनवर्ड हुआ ना कि नहीं हुआ? ठीक है, तो नाम में वो नॉर्मल समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है? ट्रेड डिस्काउंट, और एक आप क्या हो गया? कैश डिस्काउंट। एक टी शर्ट, देखो मेरे एग्जाम्पल कभी नहीं चेंज करता, क्योंकि एक एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग फिक्स हो गया तो फिर आपको लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट याद रहेगा। एक टी शर्ट कितने की? हाँ यही एग्जाम्पल दिया ना, एक टी शर्ट 200 की, दो टी शर्ट 400, अब बता तीन टी शर्ट 500, तो किसका एग्जाम्पल है? ट्रेड डिस्काउंट का। क्वांटिटी बढ़ा दो डिस्काउंट दे देंगे, क्वांटिटी बढ़ा दो डिस्काउंट दे देंगे। क्या डिस्काउंट का मतलब क्या है? इंस्टेंट पेमेंट दे दो। क्या दे दो गाइस? इंस्टेंट पेमेंट दे दो, आपको डिस्काउंट पकड़ा देंगे। तो इसी तरीके से हो गया आपका सेकंड चैप्टर खत्म। एक लास्ट टॉपिक बच गया, आपको पता है डेटर कौन होते हैं? डेटर में हमेशा मैं दो चीजें लिखा था, तो कस्टमर होते हैं बेचारे से, और जिसको हमने क्रेडिट पर किया होता है क्या? सेल। क्या की होती है? क्रेडिट सेल। डेटर के आप किसको क्रेडिट सेल दोगे? जिसको आप जानते हो, शर्मा जी का लोंडा, गुप्ता जी का लोंडा, गर्ग जी का लोंडा, इनको तो दोगे। जिस बंदे को आप जानते ही नहीं, आप कभी उसको उधार दोगे? नहीं दोगे ना। लेकिन अगर देना पड़ गया तो, अगर देना पड़ गया तो हम क्या बनाएंगे? हम क्या बनाएंगे? बीआर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बीआर। या कुछ बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ रखा, बीआर क्या होता है? बीआर का फुल फॉर्म बिल रसीवेबल। रसीवेबल का मतलब है पैसा मिलना है। तो मैंने एक बंदा आया मेरे पास, ए मैं शॉपकीपर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, तो बिजनेसमैन को बोलता है यार मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन सर मुझे आपने दे दो जरा सामान। मैंने बोला भाई हाउ आई कैन ट्रस्ट यू, अब तो बाबू सोना पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तेरे पे ट्रस्ट कैसे कर लूं? ठीक है, अब उसने बोला एक काम करो, अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं होता लिखित में ले लो। ठीक है, जैसे आजकल वो मैंने यूट्यूब पे देखा ना, वो एक बंदे ने लिखवा लिया अपनी बंदी से कि अगर तू मेरे को छोड़ के जाएगी तो जितना पैसा मैं तेरे पे लगाऊंगा तू मुझे वापस करेगी। ठीक है, तो हमने इससे भी लिखवा लिया, भाई साहब सुन तू मेरे को आज पैसे तो दे नहीं रहा, 3 महीने बाद तू मुझे पैसे देगा, इसको रिटर्न में लिख के दे। 3 महीने बाद तू मुझे रिटर्न में पैसे देगा, इसको क्या करके दे? रिटर्न में लिख के दे दे। उसने बोला चलो ठीक है, आप ना एग्रीमेंट बना लो। तो जो बिजनेसमैन है बेचारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, इसको बोलेंगे बिल रिसीवेबल को ड्रॉ करना। ड्रॉ का मतलब होता है बनाना, जैसे आर्टिस्ट ड्रॉ करता है वैसे बिजनेसमैन भी ड्रॉ करता है। क्या ड्रॉ करता है? लिखता है कि उससे कितना पैसा लेना है। उसने बोल दिया मैं 3 महीने में पैसा दूंगा, वो लिखेगा क्या? लिखेगा ये बंदा मुझे 3 महीने में पैसा देगा, मान लेते 10,000 देगा तो 10,000 देगा, कौन से बैंक से देगा ये भी लिख देगा। लिख दिया। अब ये जो बिल है ना, ये बिल जाएगा ए के पास, क्या करने भाई? सिग्नेचर कर इस पर, हस्ताक्षर दे अपने, तभी तो लाइबल होगा ना। मैंने लिख दिया मेरे को खुशी से पैसे लेने हैं, अब खुशी के जब तक उस पेपर पे सिग्नेचर नहीं होंगे तो वो एग्रीमेंट बनाएंगे, तो मैं बीआर जाएगा किसके पास? ए के पास, और वो उस पर क्या करेगा? सिग्नेचर। तो उसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? एक्सेप्टेंस, कि इसने मेरा प्रपोजल क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। जैसे अब इसको ऑफर मरवाना हो किसी को, या खुद तो ना जाएगी ऑफर देने, या खुशी को बोलेगी जाओ लड़के को बोल के देख। ठीक है, ऐसा ही होता है, ये लड़कियों में ऐसे चलता है। ठीक है, खुद से तो जाएंगे नहीं, क्योंकि खुद से तो लड़की है, फीमेल ईगो।
ठीक है, रिस्पेक्ट वाली बात हो जाती है, लड़के थोड़े अलग होते हैं। तो ऐसे ही होता है, बिजनेसमैन जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन को तो रोकड़ा चाहिए ना भाई, उसको क्या पड़ी है ईगो की, वो तो जाएगा बोल तू हाँ बोल रहा है कि नहीं, उसने सिग्नेचर कर दिया है। अब ये बिल का केस है तो बिल रखेगा कौन, ए रखेगा कि बिजनेसमैन रखेगा? बिजनेसमैन रखेगा, क्योंकि तो भाई ए का बिल है, उसमें लिखा है ए पैसे देगा, उसने फाड़ के फेंक दिया तो तब कौन रखेगा संभाल के? बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन बैंक में जाएगा और उसको भी 10,000 रुपए मिल जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो इसको क्या बोलेंगे, बिल रिसीवेबल। ये केस उल्टा भी तो हो सकता है ना, अगर मैं ए के नजरिए से देखूं तो ये हो गया बीपी, बिल्स पेबल, बिकॉज ए ने पे करने हैं, तो उसके लिए बना बीपी और बिजनेसमैन के लिए बना बीआर, क्योंकि उसने रिसीव करने हैं। बात समझ रहे? है वही पीस ऑफ पेपर, लेकिन कभी वो बीपी और कभी वो बीआर है, जिसको लेने हैं उसके लिए बीआर है, जिसको देने हैं उसके लिए बिल्स पेबल है। अब सोचो क्या कस्टमर को ही देना होगा? ना जी ना, उसके लिए हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? सप्लायर, वो सप्लायर जिससे मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट परचेज, ये देखो कैश शब्द यूज कर रही है, तो क्रेडिट परचेज करता हूँ, क्या करता हूँ, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज प्लस सप्लायर हमारे बन गए क्रेडिटर। अब इसको मेरे पे विश्वास कैसे होगा बिजनेसमैन पे, क्योंकि तो ये मैं बोलूंगा भाई देख मेरे पास 2 करोड़ की दुकान है, मेरे पास इतना सामान बचा है, मैं कहाँ लेके जाऊंगा भाई एक रातों रात में, तू मुझे क्या कर ट्रस्ट करके मुझे उधार दे दे। इसने भी उधार करा, ये कहता मेरे को तेरे पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, तू मैं तेरे को ना बियर बना के दे रहा हूँ, लेकिन तेरे लिए क्या हो जाएगा, वो इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। और इसमें भी वही लिखा होगा कि 3 महीने में पैसा दूंगा, 6 महीने में पैसा दूंगा, पैसा लिखा होगा कि 10,000 1 लाख जो भी लिखा होगा, तो वो 3 महीने में उसके पास पैसा मिल जाएंगे। इसको बोलेंगे बीआर और बीपी। इससे तुम लोग बच गए, तुम्हारे चैप्टर काट दिया, क्लास 11 जब 2 साल पहले थी तो उसमें पूरा चैप्टर था बीआर बीपी का, लेकिन अब वो चैप्टर नहीं है ना, वो कोरोना आ गया ना। बीआर देने के बाद भी अगर पैसा नहीं मिला तो बेटा कोर्ट केस कर सकते हो उस बंदे के ऊपर, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन जैसे मान लो कोई बच्चा बोले बीआर बनाया ही क्यों, फिर तो आप चेक ही दे देते। देखो चेक ही जो होता है ना ऑथेंटिक नहीं होता, मैं लिख के दे दूं मेरे पास 2 करोड़ रुपए का चेक, ले अलग चलेगा, है ही नहीं मेरे पास, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा 350 मेरे कटेंगे, 350 लक्ष्य के कटेंगे, मेरा क्या जा रहा है उसमें। लेकिन बीआर क्या हो जाता है, एक ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि सच में सेल और परचेज हुई है, सच में सेल और परचेज, तो एविडेंस का काम करता है। देखो अकाउंट्स में जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था तो जो बच्चे शुरू से आ रहे थे, मैंने बताया था कि एविडेंस के रूप में भी काम करते हैं कौन, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का काम एविडेंस का भी है कि वो एविडेंस हमें लाके देगा और वो ऑथेंटिक रहते हैं। समझ आ गया फर्स्ट चैप्टर में कोई दिक्कत? ठीक है जी, आगे आ जाते हैं हम जरा इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वगैरह पे। तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे कुछ आ जाती है हमारी एजम्पशंस। तो हमारे 3 एजम्पशंस हैं। सबसे पहली एजम्पशन का नाम है बेटा, चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हम, तो हमारे चैप्टर चैप्टर है गोइंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। भाई ये क्या बोला है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मान लो मैंने जब इंस्टीट्यूट खोला था ना, तो मेरा क्या विजन रहा होगा सोचो, कि कंटिन्यू कंटिन्यू। देखो ये वही बच्चे बोल पा रहे, मैं पढ़ चुके अभी कराऊंगा ना, चिंता क्यों कर रही है? ठीक है ओके, क्योंकि ज्यादा दिमाग सेकेंड और थर्ड पे ही लगाना है, फर्स्ट में से कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो भाई मेरा कॉन्सेप्ट ये रहा होगा कि चलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी ये बिजनेस करे, क्योंकि तो बिजनेसमैन, आपने एक रील देखी होगी, वो एक चाय के ठेले वाला होता है और एक मैनेजर होता है, तो मैनेजर चाय के ठेले वाले को बोलता है मैं ना 50,000 कमाता हूँ, चाय के ठेले वाला बोलता है अरे सर क्या हो गया बढ़िया है, तुम एसी में बैठे हो मस्त कमा रहे हो, मैं भी कमा लेता हूँ 50,000। वो हैरान हो जाता है, कहता चलो, फिर वो मन को तसल्ली देता है कि चल चाय का ठेला है 50,000 कमा रहा है, एसी में थोड़ी ना बैठा है, गर्मी में तो ना बैठा है, तो मैं तो मस्त एसी में बैठा ऑफिस में काम कर रहा हूँ, 50,000 ले रहा हूँ तो। ठीक है, फिर ना वो चाय के ठेले वाला बोलता है उसको, मैंने तेरे बोलता चाय के ठेले वाले को तू खुश है क्या? तो चाय के ठेले वाला बोलता है बहुत खुश हूँ सर। कहता क्यों, मेरी मेरी और तेरी इनकम तो सेम है। कहता एक बात बताओ सर, आप मैनेजर हो, आप इतने साल घिसे, पढ़ाई लिखाई करी, माँ बाप का पैसा कमाया, खर्च करा, ऐसी तैसी करवाई पैसे की, उसके बाद जाके तुम्हें 50,000 की नौकरी मिली, उसके बाद जब तुम्हारा बेटा होगा या तुम्हारी बेटी होगी, क्या उसको वो मिल जाएगी नौकरी 50,000 की? लेकिन मेरा चाय का ठेला आज से आगे कुछ सालों के बाद 60 कमाएगा, 70 कमाएगा, 80 कमाएगा, और वो ठेला मैं अपने बेटे को भी दे सकता हूँ, वो भी उतना ही कमाएगा फिर। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये बोलता है कि जब हम बिजनेस खोलते हैं तो हमेशा एक लॉन्ग विजन को लेके खोलते हैं, कि हमारी उसकी लॉन्ग टर्म विजन क्या है। कोई भी बिजनेसमैन यही चाहता है कि मैं काम करूं, मेरा बेटा भी यही काम करे, उसका बेटा भी यही काम करे, उसका बेटा भी यही काम करे, या बेटी भी कर सकती है, तो हम थोड़ा स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, लेकिन बेटी भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है?
क्लियर है? तो लॉन्ग टर्म का यही मतलब है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट व्हेन एवर द बिजनेस इज ओपनिंग। तो हमेशा बिजनेसमैन का विजन क्या रहना चाहिए कि हमारा बिजनेस क्या चलेगा, चलता ही रहेगा। गोइंग का मतलब क्या होता है, चलते ही रहना। तो गोइंग हमारे नाम से पता चल रहा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। भाई इसका फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ, मान लो तुम आज एक एसी लेके आए, तो तुम उसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर दोज एक्सपेंडिचर विच आर इन्वॉल्व या विच इज इंक्रीज आवर एसेट्स या फिर डिक्रीज आवर लाइबिलिटीज। तो हमारी एसेट बढ़ती, जैसे मैं फर्नीचर लेता हूँ, मैं बिल्डिंग लेता हूँ, मैं फर्नीचर लेता हूँ, तो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं बिजनेस खोलूँ और वो बिजनेस को ये मान लूँ कि सिर्फ मैं 7 महीने ही बिजनेस चलाऊंगा और 8वें महीने में बिजनेस को बंद कर दूंगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एसी फिक्स असेट है, क्योंकि फिक्स असेट तो लॉन्ग समय के लिए होती है, लेकिन लॉन्ग समय तो मैं बिजनेस ही नहीं चला रहा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में यही सेम एग्जांपल लिखा होगा, किसके बिहाफ पर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम कोई गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एजम्पशन लगाते हैं। एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि इसी आधार पे चलेगा। जैसे तुमने पीपीसी चैप्टर में पढ़ा होगा कि दो ही गुड़ है इकोनॉमी में, लेकिन असली में होती है क्या दो गुड़, बतेरी गुड़ है ही। तो ठीक है, वैसे ही हमारा ये चलता है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट था आपका कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ के एग्जाम्पल में हमेशा देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल। अगर आप ये लिखा है तो आपको टीचर खुश हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। सेकेंड जो पॉइंट है आपका वो क्या है, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। ये क्या होता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की हिंदी क्या होती है, सेम तरीके से चलता रहे। कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है ना, कंसिस्टेंसली हार्डवर्क करते रहो, एक दिन सक्सेस मिल जाएगी। तो यही मतलब होता है, लगातार हार्डवर्क करते रहो। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है भाई यहाँ पे एक ही मेथड को फॉलो करते रहो, एक ही मेथड को फॉलो करते रहो। जैसे डेप्रिसिएशन बताया था मैंने आपको, एक आप कार लेके आए 10 लाख रुपए की, कल उसकी वैल्यू 8 लाख हो गई, 9 लाख हो गई, कुछ भी हो गई, तो वैल्यू गिर गई। तो डेप्रिसिएशन के हमारे अकाउंट्स में दो मेथड दिए, एक है एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या नाम है, स्ट्रेट लाइन, बस यही देखो, बस सुनो, बस सुनो, क्या नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड। एक है डब्ल्यू डब्ल्यू डीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अभी आपको सिर्फ नाम को याद रखना है, ये नहीं समझना कि क्या है और क्या नहीं है, ये मैं बताऊंगा टर्म टू में, लेकिन टर्म वन में इसका कोई रोल नहीं है, एज एन एग्जाम्पल आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो याद कर लो, डेप्रिसिएशन है टू मेथड, वन इज एसएलएम मेथड एंड सेकेंड इज डब्ल्यू डीवी मेथड। नाम याद हुआ, एसएलएम, डब्ल्यू डीवी, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है सेम एग्जाम्पल। ठीक है, अब सुनो, मान लो मैं 1 साल ये चला रहा हूँ, दूसरे साल चला रहा हूँ, तीसरे साल ये चला रहा हूँ, चौथे साल ये चला रहा हूँ, बेचारा सीए नोच लेगा अपने आप, भाई ये क्या चल रहा है जिंदगी में, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, टैक्सेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, एक मेथड चलाते। अगर आपने बिल्डिंग खरीदते समय ये सोचा कि मैं एसएलएम चलाऊंगा, तो चलाओ ना, क्यों बाबा डब्ल्यूडीवी पे आ रहे हो, क्यों बाबा एसएलएम पे जा रहे हो, चलाते रहो एसएलएम ही चलाते रहो। समझ आ रही है बात, तो जो चल रहा है उसको चलाते रहो, कंसिस्टेंसली चेंज मत करो बार बार। ठीक है, अगर एसएलएम अपना लिया तो एसएलएम अपना लो, ठीक है ना, अगर बहुत ज्यादा समस्या आ गई तो डब्ल्यूडीवी पे चले जाना, तब क्या दिक्कत है। ठीक है, और अगर डब्ल्यू डीवी चला रहे हो तो डब्ल्यू डीवी ही चलाते रहो, ये नहीं कि 1 साल ये चला लिया, 2 साल वो चला लिया, फिर 3 साल ये चला लिया, फिर 4 साल वो चला लिया, ऐसे आपको चीज नहीं करनी है, बिकॉज सीए अपने आप को नोच लेगा। क्योंकि जैसे ही आप मेथड को चेंज करते हो ना, वो बेचारे की कम से कम भी 4-5 हफ्ते की मेहनत उड़ जाती है, समझ रहे हो। तो आपको बार बार उसको तंग नहीं करना चाहिए, वो सीए छोड़ के भाग जाएगा आपका। अगला काम क्या है, अगला है लास्ट आपका अक्रूवल एजम्पशन। ये हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं अक्रूवल एजम्पशन पे। अक्रूवल एजम्पशन क्या होती है कि चाहे पैसा इन्वॉल्व हो चाहे पैसा इन्वॉल्व ना हो, ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे तो करेंगे ही। जैसे मैंने बोला क्रेडिट परचेज हुई, मतलब मैंने पैसा नहीं दिया लेकिन सामान आ गया, तो मैं इसको अकाउंट्स में लिखूंगी नहीं, देखेंगे, जबकि पैसा तो नहीं आया। तो हमने इस चैप्टर का नाम किया था एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। जब मैंने चैप्टर करवाया था तो कैश बेसिस में क्या होता था, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन लिखेंगे, मतलब परचेज गुड ऑन क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन में लिखता ही नहीं उसके अंदर कैश वाले में, लेकिन एक्रूअल में मैं लिखूंगा, जैसे कि प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्रूअल में लिखने ही पड़ेंगे, और तभी आपके अकाउंट्स अच्छी बन सकती है। तो तीन हमारी क्या हो गई है एजम्पशंस,
है, पेपर में पता है क्या आएगा, ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इन चारों में से एजम्पशन कौन सी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि एजम्पशन सिर्फ तीन है, गोइंग, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल, बस तीन। चलते रहना है सेम तरीके से, चाहे पैसा आए चाहे ना आए, पूरी हिंदी में ऐसे लग लो, चलते रहना है मतलब गोइंग, कंसिस्टेंसली लगातार, चलते रहना है लगातार चाहे पैसा आए या ना आए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक हो गई, चलिए ऐसा भी याद कर लेना। अगला आ जाती है बेटा प्रिंसिपल्स, क्या है अगले, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो बिजनेस एंटिटी कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये क्या बोलता है, ये बोलता है बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है, बिजनेस बोलता है तू तो मेरा नौकर है, तू मेरा कौन है, नौकर, मैं हूं तो तू है, मैं नहीं तो तेरा वजूद क्या, क्योंकि तो भाई बिजनेसमैन बेचारा डिपेंड किस पर है, बिजनेस पर, बिजनेस नहीं होगा पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा बीवी छोड़ के भाग जाएगी, पहले बीवी जाएगी फिर बच्चे जाएंगे फिर घर वाले भी जितना मर के निकाल देंगे बाहर, ठीक है भाई, मर्द की इज्जत सिर्फ पैसे से है और किसी से नहीं, ठीक है, पैसा है तुम्हारे जेब में तो तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारी, पड़ोसी भी तुम्हारे, रिलेटिव भी तुम्हारे, सब तुम्हारे, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो क्या बोलते हैं लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, की बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग है, ए बात बताओ कैपिटल कौन लगाता है, क्या बिजनेसमैन लगाता है, लेकिन बिजनेस क्या बोलता है उसको, बिजनेस बोलता रुक तेरी तो कैपिटल लगा रहा, अकड़ मत दिखाई उसकी, इस कैपिटल की अकड़ मत दिखाई हो, तेरा पैसा वापस करूंगी एक दिन, और इसलिए मैं इसको कहाँ लिखती हूँ, लाइबिलिटी में, कहाँ लिखती हूँ, लाइबिलिटी में, क्योंकि मैं तेरा पैसा एक ना एक दिन वापिस करूंगा, तो इसलिए ये किस में रहता है हमेशा, लाइबिलिटी में, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम कैपिटल को इसलिए ही लायबिलिटी में लिख पाते हैं क्योंकि वो बिजनेसमैन का पैसा है और बिजनेस बिजनेसमैन के पैसे को भी आउटसाइडर लायबिलिटी मानता है कि आज नहीं तो कल मुझे ये पैसा भी वापस करना है, किसको, बिजनेसमैन को, बात समझ आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, चलिए भाई अगला कॉन्सेप्ट पे आएंगे हम, अगला कॉन्सेप्ट है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, नाम से ही पता चल रहा है, पैसा होगा तो ट्रांजेक्शन होगी, पैसा नहीं होगा तो हम उस बात को लिखेंगे भी नहीं, इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल क्लास में दे रखा है कि मान लो मेरे एक कस्टमर है, वो मेरी दुकान पे आया और मुझसे बहसबाजी करने लगा, मैंने भी चार माँ की गली सुना दी और वो चला गया, ठीक है, क्या वो मेरी दुकान पे वापस आएगा, नहीं आएगा, क्या मैं इस ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करूं, नहीं करूं, लेकिन अब दोबारा सुनू, एक कस्टमर आया जिससे मैंने 5,000 रुपये लेने हैं, 5,000 रुपये लेने हैं, उससे मेरी बहसबाजी हो गई, ठीक है, और वो चला गया, अब वो क्या कभी जिंदगी में मेरे 5,000 रुपये वापिस देने आएगा, नहीं आएगा, अरे वो मुझे दे, कस्टमर को वो अच्छा है कस्टमर, ठीक है, तो कस्टमर ने मुझे देने और वो मुझसे बहसबाजी करके चला गया, ना मैं उसकी शक्ल देखूंगा ना वो मेरी शक्ल देखेगा, तो पैसे का हो गया लॉस, क्या अब मैं इसको लिखू, अब तो लिखना पड़ेगा ना, पैसा ही बोल गया, बात समझ आ रही है, तो यही चीज है, ठीक है, पैसा है तो लिखूंगा, पैसा नहीं तो नहीं लिखो, तू कौन और मैं कौन, समझ आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है, चलिए बिजनेस ट्रांजेक्शंस की बात हो गई, अगले का वैसे होता यही है, बिजनेसमैन से ना ग्राहक आकर लड़ते हैं और आते तो वही ग्राहक होते हैं जिन्होंने पैसा देना हो, बात समझ आ रही है, किसी का बिजनेस होगा तो समझ आ जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, बहुत आसान है, पीरियड से ही पता चल रहा है, पीरियड का मतलब है ड्यूरेशन, पीरियड का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन हमारे अकाउंट्स में चलती है 12 महीनों की, कितने चलती है, 12 महीनों की, पहले दो चलती थी जनवरी टू दिसंबर और अप्रैल टू मार्च, लेकिन बाद में इसको कर दिया गया डिसकंटिन्यू, मना कर दिया गया कि जनवरी टू दिसंबर कोई नहीं चलाएगा, सिर्फ कौन सी चलाएंगे, अप्रैल टू मार्च, और इसके बाद हमारा सिर्फ अप्रैल टू मार्च ही 12 महीने का पीरियड चलता है, समझ आ गई है, क्लियर है, समझ आ रही है यहाँ पे, चलिए जी अगला टॉपिक है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, समझो इस बात को, डिस्क्लोज करना मतलब क्या होता है, बात को बताना, ठीक है, बात को डिस्क्लोज कर देना, अरे यार तूने मेरी बात डिस्क्लोज कर दी, मैं तो बेइज्जती हुई पूरी क्लास में, ठीक है, ऐसा तू इसको लाइक करता था, ये पर तुझे तो सच्ची बहुत मिल जाती, ठीक है, ऐसी ऐसी बात फैला देते लोग, है ना, ठीक है, तो डिस्क्लोज का मतलब होता है बात को फैलाना, बात को दिखाना, बात को जताना, ऐसी करना हो, अकाउंट्स में जो जो लो आपको बोलेगा, लो मतलब लो, LOW वाला नहीं है, LAW वाला है, लो मतलब लो एंड ऑर्डर वाला, तो जो हमारा लो है, जैसे कि हमारा कंपनी एक्ट 2013 है, पार्टनरशिप एक्ट 1956 है,
ठीक है। वैसे एलएलपी एक्ट आपका अलग से है 2013 शायद, ठीक है। आईटी एक्ट अलग है, सारे अलग अलग एक्ट हैं और उनका अलग अलग रूल्स हैं। उसी रूल बुक के अकॉर्डिंग हमें चलना है, उस रूल बुक के अकॉर्डिंग नहीं चले तो आपकी कंपनी को बंद करवा दिया जाएगा। जैसे कंपनी एक्ट में 2013 में जो जो बातें लिखी है हमें कंपनी का उसी के अकॉर्डिंग चलाना है, उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर कोई दिक्कत आती है या कोई चीज नहीं फॉलो की जा सकती तो आपकी ट्रिब्यूनल आएगा, ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट होता है, वहां से लिक्विडेटर आएगा, आपकी फर्म को बंद करके चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको हर चीज को क्या करना है, डिस्क्लोज करना है जो भी बातें लॉ में बोली गई है। तो इंग्लिश में एक अच्छी बात लिखी गई है, डिस्क्लोजर मीन्स मेड आइटम रिक्वायर्ड अंडर द लॉ एंड दोज आइटम विच आर मैंडेटरी या मटीरियलिस्टिक। मटीरियलिस्टिक आइटम का वो मतलब होता है जो महत्व देती है, तो महत्व देती है, समझ आ रही है बात, क्लियर है। तो कोई भी चीज जो लॉ ने बोली है कि दिखाओ, और अगर तुम उसको नहीं दिखा रहे, इसका मतलब ना मजाक बना रहे हो किसका, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का। नेक्स्ट आता है मटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल, ये अलग ही है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दो में, एक है मटेरियलिस्टिक, एक है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर में ध्यान रखना है आपको लॉ आ रहा है, क्या आ रहा है, लॉ, ठीक है। लेकिन मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे हमने शार्क टैंक देखा, किसी ने, सबने देख ही लिया होगा एक आधा एपिसोड, गलती से कॉमर्स के बच्चे हैं तो वहां आते हैं और बताते हैं कि मेरी फर्म में इतना लोन है, मेरी फर्म में इतना कैपिटल है, मेरी फर्म में इतना, अरे भाई कर ले, रेवेन्यू बन रहा है, इतनी सेल हो रही है। तो अगर आपने कोई बात, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन होते हैं जो आपकी फर्म में पैसा लगाते हैं, अगर आपने उसको कोई बात गलत बता दी ना, तो वो भी कोर्ट में जा सकता है इस बात को लेकर कि सामने वाली पार्टी ने मेरे साथ धोखा कर दिया, सामने वाली पार्टी ने मेरे साथ धोखा कर दिया। जैसे तुमने एक मूवी देखी थी अप्पा जप्पा डप्पा, अबे तुमने वो नहीं देखा, उसमें एक लड़की होती है जो सिर्फ अप्पा जप्पा डप्पा बोलती है, लड़का आता है और बोलता है अपनी कि अपनी उसकी बेटी के आदमी के पास, वो आदमी कह रहा हूँ बाप के पास, बोलता है इसने ना मुझे प्रपोज करा है, मेरी शादी करवा दो इससे। वो बाप बोलता है कि तूने सही में सुना है, तूने इसे सही में सुना है कि इसे तेरे को आई लव यू बोला है, कहता सुना तो नहीं है लेकिन ये मेरे को प्यार करती है, ठीक है। फिर वो बेचारा जाता है सुहागरात वाले दिन, वो बोलती अप्पा जप्पा डप्पा, फिर बोलती अप्पा जप्पा डप्पा, फिर बोलते अप्पा जप्पा डप्पा, कह इसके आगे बोल ले, फिर उसके बाप के पास जाता है, कहता बाप मैं ये भी तो तुझे बताने की कोशिश कर रहा था, इसको सिर्फ बचपन से तीन शब्द आते हैं, अप्पा जप्पा डप्पा, तो इसका मतलब हो गया मेटरिस्टिक। वो बेचारा अपनी पूरी जिंदगी एक लड़की में निछावर करती है, उसको ये नहीं पता चला कि ये सिर्फ अप्पा जप्पा डप्पा ही बोलती है, बात समझ आ गई। तो ये एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल था कि हर चीज जब सामने वाला आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है उसको एक एक माइन्यूट चीज भी डिस्क्लोज करके बताओ, ताकि बाद में वो ये ना बोले कि मेरे साथ क्या हो गया धोखा। जैसे कि शादियों में होता है अरेंज मैरिज में, लड़की गोरी दिखाते निकलती काली है, फोटो में दिखाने के गोरी सी लड़की पतली सी लड़की शौक, जैसे इंस्टाग्राम में लड़कियां करती हैं आजकल, बड़े अच्छे अच्छे आप आ गए, पतला कर लेती है अपने आप को, आंखों का कलर चेंज हो जाता है, बाल लंबे हो जाते हैं, बहुत तगड़े तगड़े आजकल चल रहे हैं ना, ये स्कैम हो जाता है बेचारे के साथ, ठीक है। अगला बहुत बढ़िया है, ठीक है, चलो चलो ठीक है ठीक है। अगला है कंजर्वेटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे ध्यान रखना, मैं दोबारा लिख देता हूँ, जो मैटर वाला बात है ना, मैटर हमेशा होता है इन्वेस्टर के साथ, ध्यान रखना, मैटरिस्टिक मतलब इन्वेस्टर, डिस्क्लोजर मतलब लो, कंफ्यूज नहीं होना, बातें इसमें भी बतानी है सारी, बातें उसमें बतानी है, इसमें बतानी है बातें अकॉर्डिंग टू लो, उसने बातें बतानी अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर, जो वो पूछेगा आपको बताना, क्या बोले उसको किसी को, हाँ अच्छा एकदम साइड सी हो गई। अगला देखो, चलो यार छोड़ो कोई नहीं, अगला है प्रूडेंस, अगला क्या है प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म, ये बहुत तगड़ा भाई, ये पक्का आएगा पेपर में, ठीक है। प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म, भाई प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म क्या होता है भाई, अब समझते हैं। एंटीसिपेटेड लॉसेस पे ध्यान दे, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को छोड़ दे। एंटीसिपेटेड का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाले, तो फ्यूचर में होने वाले सभी लॉसों का ध्यान रखें। जैसे कि मान लो मैंने किसी को 20,000 रुपए दिए, तो हो सकता है ना कुछ मर जाएंगे उसमें से, कुछ पैसे वो नहीं देगा, मैंने एक मशीनरी खरीदी बाद में उसकी वैल्यू गिरेगी, तो ये भी तो लॉस ही है, ठीक है। इसलिए हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसलिए ही हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, समझ रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनता है बिकॉज वैल्यू गिर रही है एसेट्स की उसके लिए, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनता है किसके लिए, डेटर के लिए, ओके। ये प्रोविजंस क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रूडेंस के अकॉर्डिंग, कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंजर्वेटिज्म मुझे यही बोलता है, क्या बोलता है कि आने वाले लॉसेस पे ध्यान दो,
लेकिन आने वाले प्रॉफिट्स पर ध्यान मत दो। मतलब मान लो मुझे पता है यहाँ पे 10 बच्चे बैठे, इसमें से 5 तो अगले साल आएंगे 12वीं में, या 10 में से 10 भी आ सकते हैं 12वीं में से पढ़ने के लिए। अब मैं इसको लिख लूँ पहले कि मुझे अगले साल प्रॉफिट होने वाला है इतने रुपए का, नहीं लिख सकता ना। तो इसलिए अकाउंट्स बोलती है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स पे इग्नोर मारो, हो गया तो ठीक, ना हुआ तो आराम भरोसे, ठीक है। लेकिन होने वाले लॉसेस पे ध्यान दो, बिकॉज होने वाले लॉसेस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो वो थोड़े से खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रूडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। मान लो मैंने एक बिल्डिंग खरीदी तो 20 लाख की, तो सालों सालों 20 लाख की ही रहेगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही चलना है, ठीक है। ये नहीं कि मार्केट वैल्यू लिखोगे, अगले साल देखा कि कितने की हो गई, 23 लाख की होगी, 23 लाख लिख दिया। जो एक बार बुक्स में लिख दिया तो बुक्स में लिख दिया, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अगला है आपका, बेकार है अगला, ड्यूअल। बता आपको ड्यूअल कॉन्सेप्ट, मतलब हम अकाउंट में कोई भी चीज लिखते हैं तो एक डेबिट होती है और एक राइट होती है, बस। उसके बाद एक वेरिफिकेबल ऑब्जेक्ट आता नहीं है वैसे तो कोई भी, जैसे मैं ये शो कर रहा हूँ, मेरे बिजली का बिल 10,000 आया, एविडेंस का है? सीए बोलेगा एविडेंस का है, तो बिल चाहिए भाई, क्या चाहिए? बिल। अगर आप 10 रुपए भी खर्च करो तो 10 रुपए का बिल होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ओके। और एक लास्ट रह गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। मान लो कि एक बंदा ना 25 मार्च को मुझे फोन करता है, कहता है कि ना 10,000 गुड्स चाहिए, ठीक है, और मैं आपको 5,000 के पेमेंट दे रहा हूँ, आप बाकी पेमेंट बाद में ले लेना जब आपका मान लो डिलीवरी डेट मान ले 10 अप्रैल, तो अब 10 अप्रैल को डिलीवरी डेट हो गई। अब 5,000 का प्रॉफिट मुझे हो रहा है वहां पर, मैं उसको पिछले साल के मार्च में लिखूं या अगले साल का अप्रैल में लिखूं, बताओ? अगले साल के। तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। मतलब जिस साल आप हकदार बन गए पैसे लेने के, उसी साल के रेवेन्यू में लिखोगे, क्योंकि तो प्रीवियस ईयर के 25 मार्च को आपने उसको वादा किया मैं तुझे गुड्स दूंगा, लेकिन दी तो नहीं ना। अगर आप उसको गुड्स नहीं देता आपको वो 5,000 रुपये वापिस करने पड़ेंगे। तो इसलिए जो हम बोलेंगे इसको बोलते हैं रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, मतलब वेन यू आर एबल या फिर वेन यू आर लाइबल, कि मुझे अब वो हकदार हो चुके हो उस पैसे को लेने के, तभी आप बोलोगे कि आप हकदार थे और उसी साल के प्रॉफिट में लिखोगे, नहीं तो आप उस चीज को प्रॉफिट में नहीं लिखेंगे। नाउ वी हैव ओनली 6 मिनट्स और इसके अंदर करेंगे हम चैप्टर नंबर 1। चलिए, तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के, डबल एंट्री आ गए, 5 आ गए, एडवांटेज फीचर्स करते हैं। सबसे पहले आपको सब कुछ पता चल गया अकाउंट्स क्या है, काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो एडवांटेज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है, सही बात है कि नहीं? फाइनेंस की इंफॉर्मेशन देगी ना आपका बिजनेस कैसे चल रहा है कैसे नहीं। अगला, मैनेजमेंट को हेल्प करेगी मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए, मैनेजर को हेल्प कैसे करेगी? मैनेजर पता है कौन होता है? अब बिजनेसमैन है वो कौन होता है? पैसे वाला, ठीक है, बिजनेसमैन पैसे वाला है, वो हर जगह दुकान पर घूमना बैठेगा। मान लो उसके 10 आउटलेट है, 10 जगह बैठेगा वो, एक ही तो आदमी है, बीवी से बात भी करनी है, ठीक है, 10 जगह कैसे बैठ जाएगा बेचारा? ओके, अब 10 जगह नहीं बैठना उसको, रहना तो बीवी के साथ ही है, तो वो 10 जगह क्या लगाएगा? मैनेजर्स जो उस एक पर्टिकुलर आउटलेट को संभालेंगे और रात को फोन करेगा, हाँ भाई टुडे सेल इज, वही फिगर बताएगा, नेक्स्ट को फोन करेगा, नाउ द टुडे सेल इज हाउ मच द रिटर्न, कितने पैसे आए, कितने पैसे कमाए, कितने, ये बोलता क्यों नहीं है, ठीक है, बात समझ आ गई? तो इसका काम हो गया खत्म। तो ये होते मैनेजर। अब मैंने बोला मैनेजर, ओए क्या कर रहा है तू, पिछले साल से तेरी सेल गिर गई। वो बोलेगा कैसे सर, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा? अकाउंट्स, पिछले साल तो ना 3 लाख की सेल करी, इस साल तो 2 लाख की सेल कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास अकाउंट्स ही नहीं होंगे मैं मैनेजर को झाड़ूंगा कैसे? मैं मैनेजर को बोलूंगा कैसे कि तू अपने पोटेंशियल से काम नहीं कर रहा? बात समझ आ रही है? तो मेरे को अगर मैनेजर कोई भी डिसीजन लेना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए गाइस? अकाउंट्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी रिप्लेस। पहले जमाने में हम चीजों को लिखते थे पेपर, लिखा खो गया, आज भी दुकानदारों को यही होता है, वो पर्ची बनाते हैं, पर्ची जाती है खो, मम्मी धो देती है उसको पेंट की जिम में, ठीक है, ओके, बात समझ आ गई? या फिर मम्मी उसको आग लगा देती है, मतलब वो पापा ऐसे बोलते हैं, ठीक है, मम्मी तो आग खैर नहीं लगाती, खो देती है बस। चलिए अगला आ गया कंपैरिजन स्टडी। कंपैरिजन स्टडी सही है ना? देखो मैं अपनी फर्म को किसी और फर्म से भी कंपेयर कर सकता हूँ व्हेन वी हैव अकाउंट्स, और मैं अपनी फर्म को पिछले साल की परफॉर्मेंस से भी क्या कर सकता हूँ? हाँ कंपेयर, और मैं नेक्स्ट साल की परफॉर्मेंस भी क्या कर सकता हूँ? प्रेडिक्ट, कंपेयर कर लूंगा नेक्स्ट साल से भी, हुई है नहीं अभी, ठीक है। आगे फैसिलिटेट लोन्स, मैं लोन लेने गया, बैंक मुझसे क्या मांगेगा? सर क्या काम करते हो,
लो सर मैं ये काम करता हूँ, कितना रिटर्न भरते हो? लो सर मैं इतना रिटर्न भरता हूँ, अपनी फर्म के अकाउंट्स दिखाओ सर कि आपकी फर्म असली है या नहीं है। लो भाई ये कैसे होगा, जब मेरे पास अकाउंट्स होंगे, मेरे पास अकाउंट्स ही नहीं होंगे तो मैं उसको सामने वाले को क्या ही बोलूंगा। चलिए अगला हो गया एविडेंस ऑफ कोर्ट, मैंने अभी बताया कोई भी फ्रॉडबाजी होती है तो आपके जितने भी अकाउंट्स हैं वो आपके एविडेंस का रूप ले लेते हैं, कहाँ पे? कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट आपकी बात आती है सेल ऑफ बिजनेस। मान लो मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और अब मुझे अपना बिजनेस को बेचना है, ठीक है, तो कैसे बेचूंगा? कि 10 साल में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? अगर तुम मेरी फर्म को खरीदते हो तो तुम्हें कितना प्रॉफिट होने के चांसेस है? जितना हायर रेवेन्यू रहेगा उतना ही मेरे बिजनेस का दाम बढ़ता रहेगा, ठीक है जी। अगला हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब दिवालिया, ठीक है, दिवालिया बताया था इंसॉल्वेंसी का, व्हेन द लायबिलिटीज आर मोर देन द एसेट्स, कि लायबिलिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एसेट्स को बेचने के बाद भी लायबिलिटी चुकाने के लिए लायबल या फिर एबल नहीं हूं। बात समझ आ रही है? तो इसका रिकॉर्ड कौन बताएगा, कौन बता रहा है कि सच बोल रहा है कि नहीं? अकाउंट्स, मैं बोल दिया मैं इंसॉल्वेंट हूं, घूम मैं गाड़ी में रहूं, सामने 10 गाली बकेगा मेरे को, कह रहा है ले मेरा अकाउंट देख ले भाई, ते ये जो गाड़ी में घूम रहा है ये भी ईएमआई पे 4 दिन में जाने वाली है ये भी, ठीक है, ओके, बात समझ आ रही है। चलिए आगे हम बात करेंगे लिमिटेशन। इस टॉपिक में लिमिटेशन ऑफ ए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो यहाँ पे लिमिटेशन में बात करेंगे। इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट। ए बा बताओ सच में कौन है यहाँ पे बिजनेसमैन? कोई किसी के फादर बिजनेसमैन नहीं है ना? सब कुछ लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, वो देख लेना, पापा से पूछना, पापा का 1 लाख की सेल होती है 1 लाख लिखते हो? आधे दुकानदार ऐसे 1 लाख की सेल पे 10 लाख 10 हजार लिखते हैं बस, समझ आ रही है? तो फ्रॉडबाजी अकाउंट में बहुत ज्यादा होती है, तभी तो मोटा पैसा चलता है सीए को, ये राज छुपाने के लिए कि मैंने कितनी ज्यादा टैक्स की क्या कर ली, चोरी, समझ आ रही है? सीए को वैसे पैसे नहीं मिलते। अगर 1 नंबर का काम करोगे सीए तो तुम्हारी 50 हजार रुपये इनकम होगी, लेकिन अगर तुम्हें 50 50 हजार को 2 लाख में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें 2 नंबर का काम करना ही पड़ेगा, यही सिस्टम है यहाँ का, ठीक है, ओके। वो एक रील चल नहीं रही अभी, अगर ज्यादा पैसा आने लग जाए तो समझ लेना 2 नंबर का ही है, ठीक है। अगला अगला क्या लिखा है? अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। क्या लिखा है? अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। मैंने बिल्डिंग खरीदी 2 लाख की, ठीक है, उसमें मैंने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया 10 हजार का, कितने की लगी? 1 नब्बे की, लेकिन मार्केट में जब बेचने जा रहा हूँ तो 5 लाख की बिक रही है, हुई ना अनरियलिस्टिक? अनरियलिस्टिक हुआ ना, हुआ क्यों, कैसे भाई? मैं बुक्स में दिखा रहा हूँ मेरी बिल्डिंग 1 नंबर की, मार्केट में बिक रही हो 5 लाख की, तो ये इसको अनरियलिस्टिक बोलोगे कि नहीं? चलिए नेक्स्ट आपका चीज है कि क्वालिटेटिव चीजों को इग्नोर कर दिया। मैंने ये तो लिख दिया कि मैं अपने एम्प्लॉयज को लाख रुपए दे रहा हूँ, 50 हजार रुपए दे रहा हूँ एज एन सैलरी, बट मैं उसकी क्वालिफिकेशन लिखूंगा, मैं लिखूंगा वो एक लड़की आती है सेक्रेटरी मेरी, उसको सुंदर बहुत लगती है वो, लिखू या उसकी क्वालिफिकेशन एमबीए लिख दू, लिखता हूँ अकाउंट्स में, लेकिन मैं लिखूंगा कि मैं अपनी सेक्रेटरी को लाख रुपए देता हूँ प्लस, आगे जोड़ लेना, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इग्नोर इफेक्टिंग ऑफ प्राइस लेवल। प्राइस लेवल पे इग्नोर नहीं करता, इसको समझाएंगे 1 मिनट में। मान लो मैंने ना पिछले साल सेल करी 2 3 लाख की, इस साल सेल करी 1 लाख की, क्या लग रहा तुम्हें? 1 लाख की सेल बढ़ गई? नहीं बढ़ी। मान लो इस साल प्राइस था 30 रुपए मेरी कॉमोडिटी का और इस साल था 40 रुपए का, लेकिन किसी को ये बात पता ही नहीं, लेकिन सामने वाले अनपढ़ लोग जिनको अकाउंट्स कम समझ आती है वो तो कहेंगे फायदा हो रहा है इस फर्म को, तो इसी फर्म में इन्वेस्ट करूंगा मैं तो, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो जो प्राइस लेवल चेंज है वो अकाउंट्स क्या कर देती है, उसको इग्नोर कर देती है। और लास्ट हमारा रह गया जो कि है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है जैसे कि मैं चाह जैसे सीए चाहेगा वैसे उसको प्रिटेंड कर सकता है कि फर्म कैसी है, कितनी लाइबिलिटीज है।